आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दशहरा के दिन जरूर करने चाहिए अष्ट और शमी की पूजा और साथ में करना चाहिए 10 काम, इसका मिलता है विशेष फल। तो चलिए बात करते हैं इस दिन अष्ट और शमी की पूजा के साथ में कौन से 10 काम हमें करना चाहिए। इस बार नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है, वहीं दशहरा का पर्व 25 अक्टूबर 2020 को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके धरती को पाप मुक्त कराया था, उसी कारण से हिंदू धर्म में दशहरा को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। आइए जानते हैं कि दशहरे पर कौन से कार्य करना शुभ रहता है। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए यदि आपके पास किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र हो तो उसकी पूजा इस दिन अवश्य करें। इस दिन शमी के पेड़ की विशेष पूजा की जाती है, इसलिए संभव हो तो इस दिन शमी के पेड़ की पूजा जरूर करें। दशहरे के दिन गुप्त दान दिया जाता है, इसलिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन गुप्त दान अवश्य करें। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन जरूर करना चाहिए। नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपको दशहरे पर नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो आपका पूरा साल सुखपूर्वक बीतता है। दशहरे के दिन यदि आपको रावण दहन के बाद बची हुई लकड़ियां मिल जाए तो आप उसे अपने घर में लाकर अवश्य सुरक्षित रखें, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दशहरे पर रावण दहन के बाद आपको पान अवश्य खाना चाहिए, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप माँ दुर्गा के चरणों को लाल रंग के कपड़े से अवश्य पोछें और उसके बाद उस कपड़े को अपने पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें, ऐसा करने से धन की कभी कोई समस्या नहीं होगी। दशहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न और दान दक्षिणा अवश्य दें, ऐसा करके आपको माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस दिन आपको पशु और पक्षियों की सेवा अवश्य करना चाहिए, ऐसा करने से आपको भगवान राम की विशेष कृपा प्राप्त होगी। रावण दहन के बाद अपने घर के बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें, ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये थी आज तक की जानकारी। उम्मीद है आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा।